नमस्कार, लाइव लगातार से मैं राजलक्ष्मी फिलहाल मौजूद हूँ साक्षी बाजार में। और साक्षी बाजार में इस बार दीपावली का बाजार सचकर तैयार है। बाजार में भीड़ देखने लायक है और आज छोटी दीपावली है, ऐसे में हर कोई यही चाह रहा है कि वो अपने ज़रूरत भर की जितनी भी चीज़ें हैं वो आज खरीद कर कल घर में सजाए। लेकिन यहाँ पर जो सभी के बीच आकर्षक कच्ची केंद्र बना हुआ है वह छोटे बच्चों के लिए मिट्टी के खिलौने और घरौंदे हैं। चूँकि बहुत साल पहले तक हम अपने घरों में ही घरौंदा बनाते आए थे मिट्टी से और उसी में पूजा करते थे, लेकिन अब ट्रेंड बदला है, बच्चे बदले हैं, जनरेशन बदली है, ऐसे में अब आपको मिट्टी के घरौंदे भी देखने को मिलेंगे और खिलौने तो हैं ही। तो हम जानते हैं कि कितनी रुचि के साथ बच्चे घरौंदे की खरीदारी कर रहे हैं और क्या कुछ डिमांड है इस बार बाजार में घरौंदों की। तो देखिए जमशेदपुर से मेरी रिपोर्ट। दिया मूर्ति हर साल खरीदते हैं, एवरी ईयर क्या करते हैं मूर्ति से? पूजा करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन बहुत कम हो गया है मूर्ति की पूजा का। अभी धीरे धीरे मोदी जब से आए हैं तब से और सब लाइक कर रहे हैं घर का होम मेड सब चीज़ें, जो मूर्ति वगैरह है, दिया है, होम मेड बच्चों के खिलौने वो भी ले रही हूँ, वो भी सारा ले रही हूँ। कहाँ से है? मैं रिफ्यूजी कॉलोनी। घरौंदा को लेकर क्या ट्रेंड है अभी बच्चों? अभी घरौंदा को लेकर ट्रेंड उतना नहीं है बच्चों में, थोड़ा कम हो गया पहले से। इसके पीछे की वजह? आने वाले जनरेशन में पहले का संस्कार अब नहीं है इसलिए। तो त्यौहार मनाने के तरीके में बदलाव आया है? हाँ, त्यौहार मनाने का तरीका पहले से बदल गया है। पहले कैसे मतलब मनाते थे प्रॉपर और अब कितना बदल गया? पहले का लोग ज़्यादा त्यौहार में रीति रिवाज पे ध्यान देते थे, आजकल वो सब चीज़ नहीं मायने रखता है। ये सब चीज़ का कारण है महंगाई, कुछ महंगाई बढ़ने के कारण, इनकम नहीं होने के कारण भी कुछ इंसान अपने आप को ये कर लिया है। तो ये खिलौने खरीदते थे या घरौंदे में खिलौने रखते थे, ये सब पहले रीति रिवाज से जुड़ा हुआ? हाँ, रीति रिवाज से जुड़ा हुआ था। आपका नाम? तनु। हिस्सा रहता था, घरौंदा बनाते थे खुद से और इसमें सामान रखते थे। अभी कितना बदला है? आज बहुत ही बदला है, आजकल बहुत ही ज़्यादा खरीद रहे हैं। हाँ, पहले सोचते थे कि है, अभी बहुत ही चेंजिंग है पहले से जैसा, समय के साथ साथ बहुत ही चेंजिंग हुआ है। तो लोगों के बीच, बच्चों के बीच उसका उत्साह कम हुआ है? नहीं, कम तो नहीं हुआ, बहुत ही अच्छा उत्साह है। उत्साह है? हाँ, उत्साह है। खरीद रहे? हाँ, खरीद रहे हैं। खरीदारी हो? हाँ, खरीदारी हो रहे हैं। ये जैसे 150 है, 200 रुपया, 250 तक है, 300 भी है, देखिए ला 350 तक का, 500 ऐसे भी है। रिस्पांस मिल रहा है? अच्छा है, थोड़ा मार्केट तो लूज चल रहा है थोड़ा। बच्चे उत्साह नहीं ले रहे हैं? उत्साह ले रहे हैं पर रेट का वजह से। ऐसे भी थर्माकोल तो बैंड है, तब भी हम लोग बनाया, देखिए थोड़ा कार्टून भी यूज़ किया गया है इसमें। हाँ, थोड़ा थोड़ा कार्टून का यूज़ किया गया है। मिट्टी का है कि किसका? नाम मेरा हिमांशु निषाद है। ये आपके बड़ा वाला 550 का है, छोटा वाला 350 का है। ये हम बाहर से लाते हैं, हम बनाते नहीं हैं इसको। क्या इस बार थर्माकोल बैन है, हम लोग लास्ट टाइम थर्माकोल का बेच रहे थे, अब कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए इसको हम लोग पहले ही से उतार के रखे थे। पहले से बाहर से मंगवाया? हाँ, बाहर से, धनबाद से। कितने में मतलब कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बढ़िया है, सही चल रहा है। 70% निकल गया है माल। हाँ, और आज निकल जाएगा 30%। हाँ, बच्चे लोग रुक रुक के ही ले रहे कि मिट्टी का ही लेंगे, मिट्टी का ही। हाँ, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम, एक बार ले लिए फिर सोचना नहीं है आपको। आप इसमें घर जाके कलर भी कर सकते हैं, डेकोरेट जो आपके मन है आप वैसा कर सकते हैं। मिट्टी का 130 का है, 10 दिया, 5 दिया हुआ आपका 120 का है, 3 दिया आपका 100 का है। और ये बहुत बहुत पहले से बेच रहे, 40-50 साल से बेच रहे। कितना रुझान कम है, कैसा है लोगों के लिए डिमांड? नहीं, ठीक है, डिमांड ठीक है, डिमांड ठीक है, उत्साह अभी भी बना हुआ? हाँ, बना हुआ है। पूजा करते हैं तो मानते हैं? हाँ हाँ हाँ। चलो, कहाँ से हैं ये? हम कांसीडी कुमार पढ़ाते हैं। पहले हम अपने घरों में स्थाई घरौंदा बनाते थे, लेकिन अब उन स्थाई घरौंदों की जगह कुछ दिनों पहले तक थर्मोकोल के घरौंदे ने ली। थर्मोकोल बैन होने के बाद अब कूट और मिट्टी के जो घरौंदे हैं, जो कि लंबे समय तक चलने वाले माने जाते हैं, तो उसका क्रेज़ बच्चों में बना हुआ है। लोग खरीदारी भी कर रहे हैं, दुकानदारों का मानना है कि क्रेज़ तो ज़रूर कम हुआ है लेकिन डिमांड जो है वो बनी हुई है। फिर चाहे मिट्टी के खिलौनों की बात कर ले और चाहे हम लक्ष्मी माँ के मूर्ति की बात कर ले, तो बचपन की जो यादें हमने जी है वो
आज भी बच्चे जी रहे हैं, ट्रेंड बदला है, जनरेशन बदली है, लेकिन कहीं ना कहीं दीपावली मनाने की जो पारंपरिक विधि और जो तरीका है वो बना हुआ है, और इसी के साथ हर कोई आज भी दीपावली मनाना चाहता है। फिलहाल इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी लाइव लगातार से।